से। खरगोन में 10 फरवरी शनिवार को पूरे जिले में 23 लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन को लेकर जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने डिजियाना न्यूज को जानकारी दी है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने डिजियाना न्यूज को बताया कि खरगोन जिले में 23 लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजीनामे योग्य मामले पर क्राम में लिखित धारा 138 के अंतर्गत बैंक रिकवरी, सड़क दुर्घटना, बिजली बिलों, नगरपालिका के जलकर और राजस्व प्रकरणों सहित दीवानी मामलों के निराकरण किए जाएंगे। प्रीलिटिगेशन के प्रकरण रखे जा रहे हैं, जिसमें न्यायालय के बाहर हुए आपसी समझ के मामलों में बिजली बिल प्रकरण में ब्याज पर 100% छूट के साथ साथ 25% तक की छूट दी जा रही है। तहसील विधिक सेवा समिति खरगोन के अध्यक्ष अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष सोलंकी ने अधिक से अधिक लोगों को लाभ लेने के लिए कहा है। आज हम पहुंचे हैं अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान सुभाष जी सोलंकी के पास। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। यहाँ एक खरगोन में मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उस विषय में जान लेते हैं कि ये लोक अदालत क्या होता है और किस तरीके से जनता के लिए हितार्थ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, ये मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, सर किस तरीके का आयोजन है? नेशनल लोक अदालत 10 फरवरी 2018 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही है। हमारे जिला खरगोन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी आर पाटिल महोदय जी द्वारा 23 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें 8 खंडपीठें खरगोन में आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया जाएगा। किस तरीके के मामले सर इस तरीके की लोक अदालतों में पहुंचते हैं अधिकांशतः देखने में जो आते हैं? ऐसे लोक अदालतों में जो मामले निराकृत होते हैं वे आपराधिक राजीनामा योग्य मामले और 125 भरण पोषण के मामले और विवाह संबंधी मामले, अपने मोटर दुर्घटना के मामले, श्रम विवाद के मामले और बिजली संबंधी व नगर निगम के टैक्स, नगर पालिका के टैक्स से संबंधित मामले रखे जाते हैं। कल जो आयोजन होने जा रहा है उसमें आप क्या अपील करते हैं जनता से कि जिससे ये लोग इसमें अधिक से अधिक जुड़ सके? मैं पक्षकार भाइयों से यह अपील करता हूँ कि मेगा लोक अदालत में बिजली से संबंधित मिलने वाली छूट, जिसमें कि पेंडिंग मामलों में 25% एवं प्रीलिटिगेशन के मामलों में 40% की छूट दी जा रही है और दंड ब्याज में 100% की छूट दी जा रही है, उनका वह अधिक से अधिक फायदा लेवें, लाभ उठावें और मिलने वाली योजनाओं का भी फायदा उठाएं। और नगर पालिका में भी जलकर और टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा उठाया जा सकता है। सर, ये इसमें एक बात कही गई आपके द्वारा प्री लिटिगेशन, सर ये प्री लिटिगेशन क्या होता है जिसमें कि इसको जब लोक अदालत में लाया जाता है? यदि दो पक्षों के बीच कोई विवाद है और उन्होंने न्यायालय में प्रकरण दायर नहीं किया गया है, उसके पहले एक पक्ष आवेदन पत्र देता है तो ऐसे आवेदन पत्र को मेगा लोक अदालत में रखा जाकर दूसरे पक्ष को भी तलब करके उन्हें समझाइश दी जाती है और न्यायालय में मामला आने से पहले ही दोनों पक्ष के मध्य समझौता कराने की कोशिश की जाती है, इसे प्री लिटिगेशन के मामला कहते हैं। मैं पक्षकारों भाइयों से अपील करता हूं कि कल होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। हमारे न्यायालयों में होने वाले हमारे न्यायालयों में लंबित मामलों के अलावा अगर प्री लिटिगेशन के मामलों में भी राजीनामा करना चाहें तो दोनों पक्ष मिलकर आपसी राजीनामा करके खुशी खुशी घर लौटे। होने वाले समय, व्यर्थ जाने वाला धन को बचाएं, अपने विकास में लगाएं, स्वयं की उन्नति करें, समाज की उन्नति करें,
इसी से हमारे प्रदेश और देश की उन्नति होगी। इसलिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मैं पक्षकार भाइयों, वकील भाइयों एवं हमारे समस्त ऐसा हित रखने वाले लोगों से, पब्लिक से यह निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र की होने वाली इस प्रकार की राष्ट्रीय लोक अदालत में वे पहुंचें। लोक अदालतें 10:30 बजे से शाम तक कार्य करेगी। वे ऐसे मुकदमों का निराकरण करा करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और खुशी खुशी घर लौटे, ताकि लोगों में भाईचारा कायम हो, वैमनस्यता दूर हो, ताकि हमारी और देश की प्रगति हो। इस धन्यवाद। मैं यह भी आग्रह करता हूं कि इस मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों में इस बात को प्रसारित किया जावे कि लोग अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में लौटें। मैं डीजेआना न्यूज चैनल को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ये थे हमारे साथ हमारे जिले के अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान सुभाष जी सोलंकी। उन्होंने कहा कि ये लोक अदालत जो है जनहितैषी है, जनहितार्थ है, तो अधिकाधिक लोग इसका लाभ ले। डिजाइना न्यूज निमाड़ की ओर से नीरज भावसार, कैमरामैन देवेंद्र यादव के साथ नीरज।